This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, very good evening guys, welcome back to our channel. Finvest. आज थोड़ी तबीयत खराब सी है तो आपको आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी. But ठीक है इस वीडियो को शुरू करते हैं. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखेगा. वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. कल के लिए जो स्टॉक्स होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं सबसे पहले प्रीवियस अपडेट्स की हम बात करें तो आज जो मैंने आपको दिया था 19 जनवरी 2021 के लिए जो मैंने स्टॉक्स आपके लिए दिए थे उनमें से किसी भी स्टॉक्स में हमारी ट्रेड नहीं हो पाई क्यों नहीं हो पाई सारे के सारे स्टॉक गैप ऑफ ओपन हुए थे गैप ऑफ ओपन होने के बाद इन्होंने अपना गैप रिफिल नहीं किया गैप रिफिल ना होने के कारण हमारी कोई भी ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हो पाई सक्सेसफुल यानी कि ना ही आप बाय कर पाए ना ही शॉर्ट सेल कर पाए तो अगर आप चार्ट में देखेंगे तो इनमें हमारी ट्रेड नहीं हो पाई देखिए ये एक एडवांटेज है कि अगर आप कहीं फंस रहे हैं उससे बढ़िया कि आपकी ट्रेड नहीं ना हो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आप गलत कॉल ले लेते हैं बाई साइड की कॉल लेते हैं और आपको जो मार्केट है वो डाउन आ जाता है क्योंकि गैप ओपन होने के बाद कोई स्पेसिफिक उसका मूवमेंट नहीं पता चलता है किस डायरेक्शन में जाएगा तो इसीलिए हमारा जो लेवल था इसने ब्रेक ही नहीं कर पाया हमारी जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं कर पाया बाई साइड और शॉर्ट सेलिंग साइड के बीच में गैप रिफिल करने वाली तो हमारी कोई भी जो थी ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हो पाई बाकी ये चार स्टॉक्स मैंने कल के लिए आपको दिए थे अगर मैं चार्ट में दिखाऊँ आपको तो बाला माइस का स्टॉक कुछ ये खुला था यानी कि इसकी क्लोजिंग अगर आप देखें तो ये लगभग लगभग थी थाउजेंड एंड नाइन्टी सिक्स पे और ओपनिंग थी आज इसकी इलेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर लग अप्रॉक्स पे इतना बड़ा गैप आपको देखने को मिल गया था अगला स्टॉक की मैं बात करूँ टाइटन मैंने जो आपको दिया था टेलीग्राम चैनल पर वो भी हमारा देखिए क्लोजिंग जो थी इसकी अप्रोक्स अप्रॉक्स थी फोर्टीन हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स के लगभग और जो आज की ओपनिंग थी इसकी वो थी फिफ्टीन हंड्रेड एंड वन एट के लगभग तो यूजअली इतने बड़े गैप के बाद ही गैप रिफिल नहीं कर पाया क्योंकि गैप ज्यादा बड़ा हो गया था गैप रिफिल करने के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है जैसे मान लीजिए ये लाइन जो है हमारी बाइंग प्राइस है और ये जो लाइन है हमारी शॉर्ट सेलिंग प्राइस है यानी मान लीजिए ये लेवल है बाइंग का ये लेवल है शॉर्ट सेलिंग का ये ब्रेक होता ही आपको बाय और शॉर्ट सेल करना पड़ता है तो स्टॉक जो है अगर गैप ऑफ ओपन होता है आपको क्या करना पड़ता है वेट करना पड़ता है टेन ए एम तक या फिर इलेवन ए ए एम तक उस गैप के रिफिल होने का रिफिल कैसे होगा गैप स्टॉक जो है नीचे आएगा बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में एक मिनट का होल्ड लेगा यानी कि अप एंड डाउन करेगा एक मिनट तक बट वो बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में करेगा तो इसमें हमारी बाइंग प्राइस लगभग लगभग इस लाइन में थी या इस लाइन से थोड़ा नीचे मान लीजिए इस लाइन के इस एरिया में थी तो ये जो स्टॉक है ये इस एरिया में आया ही नहीं तो हमारी जो थी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई और इसमें हमारी ट्रेड नहीं हो पाई किसी भी स्टॉक में नहीं हो पाई क्योंकि देखिए आप बालाइंस में भी देखेंगे गैप हमारा रिफिल नहीं हो पाया टाइटन में भी बाकी के दो स्टॉक्स में भी देखेंगे गैप रिफिल नहीं हो पाया अब गैप ऑफ ओपन होना हमारे हाथ में नहीं है ना ही आपके हाथ में अगर स्टॉक ज़्यादा गैप ऑफ ओपन होता है हम रेगुलर बेसिस पर आपको स्टॉक जो है रेगुलर बेसिस पे हम आपको स्टॉक का जो एनालिसिस करके दे सकते हैं बट अगर स्टॉक गैप है ओपन होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई कंसीडर या फिर कोई डिसाइड भी नहीं कर सकता कि स्टॉक जो स्टॉक है वो कितना गैप खुल सकता है तो चलिए हम वापस आते हैं स्टॉक की तरफ तो ये दोनों स्टॉक मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए थे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा मॉर्निंग में दो स्टॉक्स मैं वहीं प्रोवाइड करता हूँ तीस जनवरी 2021 के लिए जो मैंने स्टॉक सुने हैं वो है पहला है हमारा श्री श्री राम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस जिसे आप बाय करके चलेंगे ट्वेल्व हंड्रेड पॉइंट समथिंग पे ंड्रेड टी टू का टारगेट रहेगा रहे करने के बाद आपको एक ना एक टारगेट अचीव होकर मिल जाए इधर साइड या फिर बाई साइड या फिर शॉर्ट सेलिंग साइड तो इसलिए मैं पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल देता हूँ ताकि अगर स्टॉक गैप ऑफ ओपन हो तो भी आपका एक ना एक टारगेट प्राइस इजिली अचीव हो जाए शॉर्ट सेलिंग आपका लेवल रहेगा ट्वेल हंड्रेड ट्वेंटी का यानी कि ट्वेल हंड्रेड नाइन्टी पॉइंट सेवन जीरो या पॉइंट सिक्स जीरो पे आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे लॉस रहेगा ट्वेल्व हंड्रेड थर्टी टू का टारगेट रहेगा ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टीन टवेल फाइव और इलेवन हंड्रेड नाइन्टी फाइव एक्जैक्ट ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी पे शॉर्ट सेल नहीं करना है एग्जैक्ट ट्वेल हंड्रेड थर्टी फोर पर आपको इसे बाय नहीं करना है एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ अगर आप चाहते हैं फाइव हंड्रेड की रेंज में स्टॉक पाना यानी कि फाइव हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड के बीच में बिलो 400 या 300 की रेंज में जो स्टॉक्स होते हैं उनमें मूवमेंट की बहुत कमी होती है तो वो स्टॉक्स में प्रोवाइड ही नहीं करता जिनमें मूवमेंट की कमी होती है तो 400 टू लेकर 700 की रेंज में अगर आपको स्टॉक चाहिए आप न्यू ट्रेडर हैं तो मैं आ, अलग से स्टॉक प्रोवाइड करता हूं व्हाट्सएप पे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए बाकी की डिटेल हम वहां डिस्कस कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि टेलीग्राम चैनल में बाकी के दो बच्चे भी स्टॉक में प्रोवाइड करूंगा अगला स्टॉक है एच जैसे आप बाय करके चलेंगे एलेवन हंड्रेड नाइन्टी का जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा यानी कि 1190.30 हंड्रेड 20 पॉइंट थ्री जीरो टू जीरो बार बार रिपीट नहीं करूँगा मैं इतने पे लेवल ब्रेकआउट नहीं आप इसे बाय करेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1178 अब स्टॉप कैसे हिट होगा बाय साइड का वो हिट होगा देखिए दोनों में कंडीशन सेम अप्लाई होगी वहां पे मैंने का बताया का बताया कैसे आपको शॉर्ट सेल करना है तो यहां पे आपका लॉस हिट होगा इलेवन पे एंड सेवन पे आपका ऐसा हिट नहीं होगा कि 1178 पे नहीं इससे कुछ पॉइंट ऊपर नीचे लगाने या फिर ऊपर लगाना है जैसे यहाँ से ये यह तो आपको इलेवन हंड्रेड एंड सेवन सेवन जीरो परस लगाना है और यहाँ से यह वैल्यू तो आपको हंड्रेड एंड एटी एट पॉइंट थ्री जीरो एग्जांपल दीजिए बताया था तो वो उसमें कंफ्यूज मत होइए कि अभी तो एलेवन हंड्रेड एंड एट पॉइंट थ्री जीरो बोला था वो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एग्जैक्ट इस वैल्यू पे आपका स्टॉप लॉस नहीं लगाना है इस वैल्यू से नीचे आ जाएगी वैल्यू बाई साइड की साइड तब अपना लॉस लगाएंगे यानी कि 1177.70 हंड्रेड एंड सेवन पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट एट जीरो समथिंग पे अपना एस एल लगाएंगे टारगेट रहेगा एज यूजुअल पहला टारगेट प्राइस स्मॉल 1195, हंड्रेड एंड फाइव ट्वेल्व हंड्रेड एंड फाइव और 1215. एंड शॉर्ट सेलिंग आपका लेवल रहेगा 1176 हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स का स्टॉपस एलेवन हंड्रेड एटी एट और टारगेट रहेगा एलेवन हंड्रेड एंड एंड सिक्सटी वन और इलेवन एंड फिफ्टी वन का शॉर्ट सेलिंग आपका कैसे हिट होगा इलेवन हंड्रेड एंड एटी एट पॉइंट थ्री जीरो ए पॉइंट फोर जीरो पर अपना एस एल लगाएंगे यानी कि इतने पॉइंट इस लेवल से जब ऊपर जाने लगी वाली तब अपना एस एक्ट मार्केट रेट से बाहर आएंगे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा मॉर्निंग में दो कॉल्स में वहीं पर प्रोवाइड करूँगा वाट्सएप का आपको नंबर दिख रहा होगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें फाइव हंड्रेड की रेंज में स्टॉक पाने के लिए बाकी की डिटेल हम वहीं डिस्कस कर लेंगे तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा